PPL lathe machine in excellent working condition. The maximum length of job in this machine is 3 meters and this is an Italian make machine. The condition of the bed of this machine is very good. There are no scratches whatsoever. The model of this machine is WF350 and the make of this machine is PPL. This is an Italian make machine. It is a gap bed type lathe machine. The machine is equipped with a 2-axis DRO. इसमें कैरेज के लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल पे एंड क्रॉस स्लाइड के ट्रैवल पे DRO लगा हुआ है. द मशीन इज कंप्लीट विद 1 फॉलो रेस्ट एंड 2 स्टडीज. सो टोटल में इसमें 3 सपोर्ट्स होगी जॉब के लिए, 1 फॉलो रेस्ट एंड 2 स्टडीज. द मशीन इज कंप्लीट विद सम अदर एसेसरीज एज वेल. इट इज कंप्लीट विद अ 3 जॉ चक. 4 जॉ चक ऑलरेडी मशीन में माउंटेड है. स्पेयर जॉज भी है एंड टूल होल्डर्स भी है. पहले इसका कैरेज का लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल एंगेज कर दो. लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल ऑफ द कैरेज. हमने इसका कैरेज का अभी फ्रंट आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड मूविंग ट्रैवल एंगेज कर दी है, फीड ट्रैवल एंगेज कर दी है. द चेंज इन द DRO रीडिंग कैन बी सीन. DRO भी एकदम ठीक काम कर रहा है. ठीक है, इसको रिवर्स कर दो. ये हैंडल को अंदर डालो जिससे घूमता हुआ दिखे. ठीक है, अभी ये पीछे की तरफ आ रहा है. वी हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ फीड ट्रैवल. कैरेज जो पहले आगे जा रहा था वो अभी पीछे आ रहा है. वी कैन सी इन द DRO एज वेल. ठीक है, इस मशीन में जो कैरेज, हाँ हैंडल को अंदर डालो फिर से. ठीक है, इस मशीन में जो फीड का डायरेक्शन है वो यही कैरेज से ही चेंज हो जाता है. आगे से मशीन रोकने की जरूरत नहीं पड़ती. इसको फिर से फॉरवर्ड मूविंग करना. ठीक है, वो यहीं से फिर से फॉरवर्ड मूविंग हो गया. ठीक है, अब जो रेट है क्रॉस रेट पे चला दो. ठीक है, वी हैव नाउ एंगेज द फीड ड्राइवर ऑफ द क्रॉस स्लाइड. क्रॉस स्लाइड अभी फीड में धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही है. DRO ऑफ द क्रॉस स्लाइड इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन. ठीक है, अभी इसको रिवर्स करना हो तो. ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया. ठीक है, डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ ट्रैवल. हमने अभी इसके कैरेज पे लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल को एंगेज कर दिया है और हम देख सकते हैं धीरे धीरे अभी ये फीड में आगे जा रहे हैं. ठीक है, फीड की शाफ्ट रोटेट कर रही है बट बहुत स्लो रोटेट कर रही है. ठीक है, हम DRO की रीडिंग देख सकते हैं चेंज हो रही है. ठीक है, ये फीड का रेट अभी तेज करो. ठीक है, ये हमने थोड़ा फास्ट कर दिया, और तेज कर दो. ठीक है, वी कैन सी दैट द फीड रेट ऑफ ट्रैवल हैज इंक्रीज्ड. DRO की रीडिंग भी जो पहले स्लो चेंज हो रही थी वो अब तेज हो रही है. और तेज कर दो. ठीक है, ये फीड का रेट अभी और फास्ट कर दिया. ठीक है, अभी सबसे फास्ट कर दिया. ठीक है, अभी जो ये और है और फास्ट दिखा दो. ये हैंडल अंदर डालो, हैंडल बाहर निकल गया. ताजी हैंडल अंदर डालो. फीड अभी भी चल रही है जैसे हम DRO पे देख सकते हैं, बट ये DRO ऑटो, ये जो हैंडल है ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है जिससे ऑपरेटर को चोट ना लगे. ठीक है, अभी हमने फीड का रेट और तेज कर दिया. और कोई दिखाओ, हाँ ऊपर से दिखाओ.
ठीक है, वी हैव फर्दर इंक्रीज द फीड रेट ऑफ ट्रैवल। ठीक है, हम देख सकते हैं फीड का रेट अभी भी एक फीड में चल रही है, बट बहुत तेज चल रही है। वर्किंग ऑफ द लीड स्क्रू फॉर थ्रेडिंग पर्पजेस, हमने इस मशीन की अभी फीड की शाफ्ट को रोक दिया है और लीड स्क्रू की रोटेशन को ऑन कर दिया है। ठीक है, जो ये पूरा कैरेज है ये लीड स्क्रू पे एंगेज कर दो। ठीक है, अभी हमने जो कैरेज है वो लीड स्क्रू पे एंगेज कर दिया एंड वी कैन सी कि अभी जो कैरेज है वो थ्रेडिंग करता हुआ आगे जा रहा है। ये इसका हैंडल अंदर डालो जिससे घूमता हुआ दिखाई दे। ठीक है, जो पूरा कैरेज है वो अभी थ्रेडिंग करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको रिवर्स करना हो तो ठीक है, वी हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो लीड स्क्रू की डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो जो कैरेज भी पहले आगे जा रहा था वो कैरेज भी अभी थ्रेडिंग करता हुआ पीछे आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स, राइट नाउ द मशीन इज वर्किंग एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 13 RPM। करंट स्पिंडल स्पीड 13 रोटेशंस पर मिनट। ये स्पीड को तेज करके अभी कोई 100 के आसपास दिखाओ। कितना हो गया? करंट स्पिंडल स्पीड 110 RPM, 110 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, और तेज कर दो, अभी 250 के आसपास कोई दिखा दो, 250 के आसपास। कितना हो गया? करंट स्पिंडल स्पीड 250 रोटेशंस पर मिनट, 250 RPM। करंट स्पिंडल स्पीड 500 RPM। करंटली द स्पिंडल ऑफ द मशीन इज रोटेटिंग एट 500 रोटेशंस पर मिनट। द स्पिंडल ऑफ दिस मशीन इज इन एक्सीलेंट कंडीशन। अभी और तेज दिखा दो जो भी मैक्सिमम है। करंट स्पिंडल स्पीड 700 RPM, 700 रोटेशंस पर मिनट। इवन एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 700 RPM फॉर अ 3 meter लेंथ ऑफ जॉब मशीन, द स्पिंडल ऑफ दिस मशीन इज इन एक्सीलेंट कंडीशन एंड देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द गियर बॉक्स ऑफ दिस मशीन। इस मशीन के स्पिंडल में ब्रेक का भी फीचर है। अभी करंटली हमने इसको 250 RPM पे चलाया हुआ है और अभी हम ब्रेक लगा के ब्रेक को एंगेज करके दिखाएंगे कि ये एकदम से भी रुक सकता है चक्को अगर रोकना चाहें तो। ब्रेक को एंगेज करो। ठीक है, अदरवाइज ये बहुत धीरे धीरे चलता रहता है मोमेंटम में एंड फिर रुकता, ब्रेक की वजह से ये एकदम रुक गया। ठीक है, इट इज अ मेड इन इटली लेथ मशीन इक्विप्ड विद अ 2-axis DRO। इट इज अ गैप बेड टाइप लेथ मशीन। द कंडीशन ऑफ द स्पिंडल, द कंडीशन ऑफ द बेड इज वेरी गुड। द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स एसेसरीज, 2 steadies and 1 follow rest। द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन।